बाबूजी, अगर ये आदमी हवेली में रहेगा ना तो गोली बंदूक में नहीं रहेगा, हम कह रहे हैं। साले सब चल से सुन दे चल सुन दीजिए तुम चलो यहां से, हम आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, चलो यहां से चलो। सोई है आराम से। अच्छा हुआ निमकी और स्वीटी का फोन आ गया, उनसे बात करके इसका भी मन हल्का हो गया। चल बेटा तू भी सो जा। क्या हुआ, क्या सोच रहे? कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है मासी। मतलब? निम्की जी हमसे कुछ छुपा रही है और शायद स्वीटी जी भी। देखिए ना, वो पंचायत में इतना कुछ कर दी तेतर सिंह के साथ और तेतर सिंह जैसा आदमी चुप होकर बैठ गया। स्वीटी जी हमसे मिलती हैं, बब्बू सिंह नहीं चाहता है इसके बावजूद, और ना बब्बू सिंह ना तेतर सिंह हमसे कभी कोई बात की है। वो लोग तो कभी भी हमको धमकी दे सकते हैं मगर नहीं। ये बात तो है मगर निमकी और स्वीटी कहाँ छुपाएगी हमसे, और वो भी तुमसे। निमकी तुमको बहुत मानती है बेटा। अक्सर ऐसा ही होता है मासी, आदमी जिसको बहुत मानता है ना उसी से अपना दर्द छुपाता है कि कहीं वो दुखी ना हो जाए हमारा दुख जानकर। तो कहाँ लगता है तुमको वो तेतर सिंह स्वीटी और निमकी के साथ कोई जुल्म कर रहा है और वो लोग ये बात तुमसे छुपा रही है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है मासी। अगर आज ऋतुराज जो किया वो बहुत बुरा था, पर इसके बाद भी निमकी जी और स्वीटी जी हंस बोल रही। कहीं निमकी बब्बू से नाखुश तो नहीं है? निमकी जी का तो समझ में नहीं आ रहा है मगर आज जो कुछ हुआ उससे ये बात तो साफ है, स्वीटी जी ऋतुराज के साथ खुश नहीं है। स्वीटी के मुस्कान में दर्द तो दिखता है बेटा, शायद इसीलिए वो हवेली से भाग भाग के यहाँ आती है। मगर तुम क्या कर सकते हो, ये उनका निजी मामला है ना। नहीं नहीं मासी, ऋतुराज को हम थोड़ा सबक तो सिखाएंगे, कल सुबह ही निकलवाते हैं उसका फाइल भी मुंगरीलाल जी से, सारा कॉन्ट्रैक्ट जाएगा उसके हाथ से। ये तो बदला लेना हुआ ना बेटा। ऋतुराज जैसे लोग ना ऐसी ही भाषा समझते हैं मासी। मदद करना है ना तो स्वीटी का कर, ऋतुराज को सजा देने से क्या होगा, इससे तो स्वीटी का ही नुकसान होगा ना। स्वीटी जी का हम क्या मदद करेंगे मासी, वो वहाँ हवेली में, हम यहाँ। अगर वो ऋतुराज के साथ खुश नहीं है तो तू उसे अपना ले। अभी नहीं कहना कि वो तुमको अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है मासी, अच्छी लगती है मगर
हम उनको कभी उस नजर से नहीं देखे हैं मासी। तो अब देख लिए। इलीना को भी वो बहुत अच्छी लगती है। स्वीटी का भी भला हो जाएगा और तुम्हारा भी। आधा अधूरा मिलके भी पूरा हो जाता है टिंकू। दीदी खोलना दरवाजा, हमसे बात तो कर। अरे सुनाई नहीं दे रहा है, हम लोग का दुश्मन लग रहे हैं तुमको। स्वीटी अरे खोलो ना दरवाजा। आपके प्यारे दामाद जी कम घाव दिए हैं का हमारी स्वीटी को, जो आप भी ऐसे चिल्ला रहे हैं। आपको पता भी है कि क्या गुजर रहा होगा उसके मन पर। दीदी अरे हम निकाल दिए ना उनको हवेली से, हमसे बात तो कर। आधा घंटा से ऊपर हो गया है। अच्छा ठीक है, अम्मा से तो बात कर। दीदी को जो कर तो नहीं लीना अंदर। ए, सुप सुप बोल। मलिकार डायमंड कहीं सही तो नहीं ना कह रहा है। अरे ना भाई, हमारा खून है, दूसरे को मार देगी अपना जान नहीं देगी। एकदम सही कह रहे हैं आप फादरिंडा, यही लिए तू इतना दिन तक तू दर्द सहती रही, किसी को नहीं बताई। ए स्वीटी अरे बंद करो ये तमाशा, खोलो ना दरवाजा। अरे छोड़िए भाई, बंद रहने दीजिए इसको, चलिए। भौजी अटका रात भर बैठे रहे इसके दरवाजे पर, है पहरा देते रहे, चलो चलो। स्वीटी खोल दरवाजा, अगर हमको अपना नहीं ना समझती है तो कर जो मर्जी में आ रहा है। चलिए मलिका, चल बब्बू चलो। ये लड़की हम लोग को कुछ समझती ही नहीं है। स्वीटी दीदी दरवाजा खोलिए, हम अकेले हैं और कोई नहीं है हमारा बात सुनिए। दीदी ए चल हट यहां से। हम लोग तब से चिल्ला रहे हैं तो वो दरवाजा नहीं खोली, अब तुम्हारे कहने से दरवाजा खोल देगी, बड़का आई है, भाग यहां से। हमरा और स्वीटी दीदी का रिलेशन थोड़ा अलग है, रुकिए दिखाते हैं। स्वीटी दीदी देखिए हमारा इज्जत पे बात आ गया है, जवाब दीजिए। टिंकी चली जाओ यहां से, हमको अकेला छोड़ दो, हमको किसी से बात नहीं करना है। स्वीटी हम लोग तब से चिल्ला रहे हैं तो तुम कुछ नहीं बोली, आई घटटोला वाली छोड़ी के। ए हट यहां से, जा अपना कमरा में, ये हम लोग के घर का मामला है, हम लोग समझ लेंगे। हमरे पापा कहते हैं कि लाइफ में आदमी को अच्छा काम करना चाहिए, नहीं तो औलाद भुगतता है। अब आप ही देखिए, आप लोग का आंख के सामने कमीना ऋतुराज, ओ सॉरी आपका कहती है दामाद जी, आपका दामाद जी आपका बेटी का दम घोटता रहा और आप उसका गलती पर पर्दा डालती रहे। अरे सजा तो आप लोग को मिलना चाहिए लेकिन भुगत रही है स्वीटी दीदी। खबरदार
ये गलती मत कीजिएगा मदरिला, बार बार इग्नोर नहीं करेंगे हम। वैसे भी आज बहुत गुस्सा में हैं हम। पिछला बार आप लोग का खिलाफ रिपोर्ट नहीं किए तो आप लोग का हिम्मत बढ़ गया है। खबरदार, ऐसा करने का सोचिएगा भी मत, तो बैठे रहेंगे सब के सब थाना में। जाइए, जाके अपना हाथ धो लीजिए, छू दिए हैं हम। नहीं तो जाके अपना हाथ कटवा लीजिएगा। पूरा का पूरा खेला बिगाड़ के रख दी हो तुम। अरे काहे लिए तुम्हें बुलाए थे और तुम का कर दी बिंदिया? अरे इसका हिम्मत कैसे हुआ? हमारी बहन की जिंदगी खराब कर दी आज। मैं तो बस बाहर हवा खाने गई थी। काहे? बहुत गर्मी चढ़ गया है तुमको। हाँ, बाहर गई थी ठीक है, लेकिन कहाँ जरूरत था वो मोटा भैंसा के साथ महल का पठान में जाने का? अरे शर्म नहीं आया तुमको? डर नहीं लगा जर को? मेरी कोई गलती नहीं, वो तो ऋतुराज जी मुझे हवेली के पीछे लेके गए थे। ओहो, तुम तो नन्ही हो ना, वो बोले और तुम पीछे पीछे चली गई। दीदी वो मुझे बैल देखता था। ये तुमको अंधेरे में बैल देखना है? मन तो कर रहा ना कि एक लोग पर मार के। अरे रेखा, इसको अभी के अभी निकालो घर से। ये क्या बोल रहे हैं जी आप? चली जाएगी तो वो ब्याह जो हम देवर जी के साथ सोचे थे। पगले पप्पू, ब्याह करेगा इससे? दिमाग खराब हो गया का तुम्हारा? ना ना, एक मिनट, हम कुछ सोचते हैं ना। देखिए, नंदू जी तो गए घर के बाहर। हाँ, अब बिंदिया कोनो कहानी बना देगी, बोल देगी कि ऋतुराज जी उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। हाँ बिंदिया, बोल दोगी ना? हाँ, मैं बोल दूंगी कि ऋतुराज जी ने मेरा। अरे नहीं, इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। बस इतना बोल देना कि ऋतुराज जी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। फिर हम भी सासू जी को थोड़ा सुना देंगे कि अब हमारी बहन को कौन अपनाएगा। हाँ दी। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। रेखा गुलमा, ये सब कांड हम तीनों भाई अपनी आंखों से देखे हैं, स्वीटी भी देखी है। अरे हाँ हाँ, कह रहेगी यहाँ से भी इसको यहाँ रख के हमारा इज्जत खराब करना है का? अरे तो दीदी, तुमको पता है कितना मुश्किल से हमारे सासू की नजरों में हम पोजीशन बनाए थे, झटके में खराब कर दी तुम सब। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। अरे इसका तो लक्षण ही खराब है जी, कभी ऑटो वाले के साथ, कभी कैंटीन वाला, तो कभी ड्राइवर। छी, प्लीज दीदी, प्लीज। ए दीदी, दीदी बस चुपचाप अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, वरना पप्पू आएगा ना जब बंदूक लेके, तो फिर। पटना में कितना रखेल है आपका? हाँ है चक्कर हमरा, एक नहीं तीन तीन के साथ। आज हम आपको फिर से दिखाते हैं कि हम कैसा मर्द हैं। दीदी दरवाजा खोलिए प्लीज। स्वीटी दीदी, हम अकेले आए हैं,
हम सच कह रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। दीदी दरवाजा खोलिए प्लीज, हम सिर्फ एक मिनट आपसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपको। दीदी दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए। पिंकी हम ठीक हैं। आप ठीक हैं ना, तो फिर दरवाजा खोलिए, हमको सिर्फ आधा मिनट दीजिएगा, हम आपसे मिलके चले जाएंगे। प्लीज दरवाजा खोलिए दीदी। देखिए अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगी ना तो धक्का देके हम दरवाजा तोड़ देंगे और हमको चोट भी लग सकता है, काहे कि हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्वीटी दीदी खोलिए ना दरवाजा। ठीक है, नहीं खोल रही ना आप दरवाजा, हम दरवाजा तोड़ देंगे। रुकिए आप, तोड़ने का कोशिश करोगी। हाँ दीदी। दीदी आप रो रही थी, हुआ अच्छे के लिए हुआ है दीदी। इनकी कभी कभी पुराना खिलौना भी टूटता है ना तो दिल में टीस उठता है। छोड़ी ना दीदी, ज्यादा टीवी सीरियल की हीरोइन बनने का जरूरत नहीं है आपको, आज खुशी का दिन है भाई। एक बार हम टूटा रिश्ता का खुश हो जाइए। इनकी तुम कभी नहीं रोई? नहीं, हम कभी नहीं रोते, पता नहीं क्या है, हमको रोना ही नहीं आता। हमारी जब माई मरी थी हम तब भी नहीं रोए थे, मौआ तो हर बात पे रो देती है, जब वो रोती है ना उसको देख के हमको हंसी आ जाता है। तो हमको देखकर भी तुमको हंसी आ रहा है? आप रोके तो दिखाइए। पता है दी, पापा कहते हैं कुछ लोग जब रो देते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है, मगर हम अपनी निमकी का बात मानेंगे। हम अब नहीं रोएंगे। अच्छा लग रहा है, ये भी तुम अपने पापा से सीखी होगा। नहीं, ये हमारी माँ किया करती थी।
छोड़िए ना, हम परबतिया को बोल के ना हलवा बनवाते हैं। हलवा कहे? हे भाई, आज आप आजाद हो गई हैं, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।